ये एक ओवर किसी भी टीम की किस्मत बदल सकता है। माना के टिकटॉकर्स आगे हैं, इंस्टाग्रामर्स चार पॉइंट्स पीछे, देखते ही कमबैक करते हैं या फिर आज टिकटॉकर्स या नई तारीख रकम करेंगे। ये आखिरी एक ओवर बचा है, कुछ कह रहे हो? नहीं सिंगिंग नहीं, क्या ऐसा है? फिर सिंगिंग करवा लें? चलो भाई हाँ जाएंगे उसामा, सब आप कह रहे हैं कि फिर सिंगिंग नहीं होगी तुम लोगों से। लाओ भाई फिर इसका टॉस जो है वो जो हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है, सिंगिंग का टॉस कर रहा हूं मैं। ये बारी आपकी टॉस की, बताइए। टेल्स इट इज टॉस, आप लोग जीत गए। पहले गाना गाने के लिए आप आएंगे, आइए जी। सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, दो पॉइंट्स का, गलती की गुंजाइश कतई तौर पे नहीं है। गाना कौन सा है? तेरे नाम। वाह क्या बात है भाई, माइक दीजिएगा। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, है? नहीं उसको तो याद हो गई गाना यार, अंतरा नहीं गाना क्या उन्होंने? अच्छा चलो रेडी गो गाइस। वाह करो। जीवन अपना सारा सनम, प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम, ओ इश्क है तू हमारा सनम। आज तुम्हें सुर में गाना पड़ेगा, आ जाओ। कौन सा गाना है जैन? ये जो हल्का हल्का सुर है, कौन स्टार्ट कर रहा है? चलो शाबाश, रेडी गो गाइस। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना। शराब कैसी, खुमार कैसा, ये सब तुम्हारी नवाजिशें हैं, पिलाई है किस नजर से तूने, के मुझको अपनी खबर नहीं है, तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे शराबी बना दिया, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना। तुम्हारे तो गाना कहाँ गाया है? नहीं एक दफा क्यों गाना है इसने, दो दफा तो गाएगी ना कम से कम, इतना फाइनल के अंदर यही पार्ट थोड़ी गा के जाएगी। ये तो इन लोगों ने डिसाइड करना था, ये इन्होंने खुद नहीं, आप लोगों ने कैसे डिसाइड किया? जब मैंने एक चीज बोली भी है कि दोनों, इसका एडवांटेज उनको जाएगा। माइक में बोलो। हाँ मुरी तो हमें यही कहा था कि इतना ही गाना है, और एक दफा आपने कहा था गाना, ये दो दफा है लाइन। हाँ है दो दफा, लेकिन इन्होंने ही खुद जिस तरह गाया आपके सामने, गाती रहती तो हम बजाते रहते,
बात ये सारी तो ये इन्होंने डिसाइड किया था या आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि एक ही दफा गाओ? जी हम नहीं नहीं हमने कोई सजेस्ट नहीं किया था, ये अपने तौर पे कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। कसर भाई तो थे नहीं, वो थे भाई। अच्छा हम कीबोर्ड वाले भाई। और दूसरा ये कहा गया था कि इसमें आप लोग जब दुआ गाएगी तो रिदम नहीं बजाएंगे। जी जी जी, ये सिर्फ अनप्लग पे ये लाइन गाएंगे। सर हमने नहीं, देखिए ये डिसाइड दानिश भाई जितनी भी डिसीजंस है ना गाने के हवाले से ये सब खुद लेते हैं, हम सिर्फ स्केल देखते हैं और उसका वो बोलते हैं ठीक है। नहीं देखिए डिसीजन जब आप फिनाले खिला रहे हैं और डिसीजन आपने लेना है तो मैं इसकी गायकी का डिसीजन किस बात के ऊपर लूंगा? हाँ लेकिन अगर रिदम में नहीं है, अगर टेम्पो का मसला ही नहीं है, हाँ, तो फिर तो। और इसने नहीं, ये तो अभी बाहर गाया था, आप लोग सुर में लेकर आए, ये भी मुझे पता है। जी हाँ बिल्कुल, कॉर्ड में लेकर आए थे, वो बाहर गा रही थी। एक मौका आपको और दे रहा हूँ, ये गाना आपने दो दफा गाना है ये लाइन, और आप रिदम देंगे क्योंकि वहां रिदम चली है। मुकाबला जो है ना वो बराबरी की बुनियाद पे होगा, हल्की सी भी कोई लूप होल वाली चीटिंग भी अलाउड नहीं होगी। आइए, आपने गा चुके, आप गा चुके, हाँ सिर्फ दुआ ने गाना है। हाँ एक मिनट, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कुसूर है, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी। आप डिसाइड कीजिए, आप बताइए आप कौन बेहतर है और कौन दो पॉइंट्स का हकदार है और कौन एक पॉइंट का हकदार है, जरा ही बताइएगा। अच्छा दानिश भाई, ये बिल्कुल ऑब्वियस सा है क्योंकि उन दोनों टीम में दोनों कंटेस्टेंट्स ने बिल्कुल सही गाया है। अच्छा अभी ना आपने जो नंबर्स देने होंगे ना, क्योंकि अब फिनाले है, वो सही गाने पे नहीं देने। अच्छा फ्लॉलेस जो गाया हुआ होगा उस पे नंबर देने। देखिए फ्लॉलेस तो फिर अगर देखा जाए तो सिर्फ इंडिविजुअल पे, फिर आप इंडिविजुअली एज ए टीम फ्लॉलेस किसने गाया, फिर तो उन्हीं का ही नाम आता है जो टिकटॉकर्स ने गाया है, बहुत बेहतर गाया है। और अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने भी कंपैरेटिवली बहुत बेहतर गाया है इन दोनों से कंपैरेटिवली। बिल्कुल सबसे अच्छी सिंगिंग तो की है जैन ने, जैन लेकिन तो जैन और दुआ को अगर मिला के आप करेंगे नहीं तो और वहां पर हमाद और फजीला को करेंगे तो फिर बेहतर वो लोग थे, लेकिन फिर भी वो अप टू द मार्क गा के नहीं गए। जी हाँ बिल्कुल, गायकी का जो लेवल था वो एटलीस्ट उतना होना चाहिए था जितना जैन गा कर गया। लेकिन इसके भी इसको गवाने का मकसद ये था कि अगर ये स्टार्ट भी सिर्फ सुर में कर जाती, हाँ जी, तो यहाँ ये दो पॉइंट्स जीत गए थे। बिल्कुल जी, क्योंकि वहां पर हमाद जो था उसका स्टार्ट शेकी था, बिल्कुल शेकी, फिर वो था, सुर बिल्कुल में आ गया था, फिर उसने सुर में गाया गाना, फजीला ने बहुत अच्छा गाया, टेम्पो एक आध जगह उसका अलग हो रहा था, बिल्कुल फजीला ने गाया है बिल्कुल ठीक, कोई गलती नहीं की, उसके लेवल का नहीं गाया लेकिन उसने गलती नहीं की। दो पॉइंट्स तो नहीं जाएंगे लेकिन एक पॉइंट जाएगा टीम टिकटॉकर्स के साथ, क्योंकि उनके दो प्लेयर्स ने दरमियाना गाया है, यहाँ के एक प्लेयर ने सही गाया, दूसरा प्लेयर बाहर गा के गया, एक पॉइंट जाएगा टिकटॉकर्स के साथ। हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, ओ जीवन अपना सारा सनम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।